आज है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। देश के दूसरे सबसे बड़े और राजस्थान के सबसे पहले महल सिटी पैलेस पहुंचा है एबीपी। देखिए कैसे एबीपी ने उस म्यूजियम के बारे में जानकारी जुटाई जिसमें महाराणा प्रताप का इतिहास है और किस तरह से अभी तक इस विरासत को संजो रखा है। तो ये सामने आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप का कक्ष है और इसमें आप बख्तरबंद जो इनके कहे जाते थे भाले तीर जो भी है वो सब यहाँ पर मौजूद है। ये इसके बारे में बताइए थोड़ा सा, क्या है ये, कितने वजनी होता था उनका? प्रातः रमणीय महाराणा प्रताप गौरवशाली, ये क्या कक्ष कहलाता था, क्या है ये? ये टकसाल कहलाता है। टकसाल इट मीन्स यहाँ अपने सिक्कों का शुरू से आखिरी तक एक नंबर से पांच कमरे तक इनका प्रोसेस होता था। 12 ग्राम का एक तोला चांदी और सोने के सिक्के यहाँ बनाए जाते थे। हल्दीघाटी युद्ध जो महाराणा प्रताप ने लड़ा था उसके बारे में आपने किताबों में इतिहास की पुस्तकों में पढ़ा, लेकिन आज ये इस चित्र से आप पूरा देखिए कि किस तरह से हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा था। गाइड साहब हमें बताएंगे कि क्या खासियत थी इसमें। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में लड़ाइयों के लिए हल्दीघाटी को ही चुना गया था क्योंकि इस हल्दीघाटी में हम विजय रहे, इसलिए कि छापामार प्रणाली से लड़े जाते थे क्योंकि पहाड़ों से पत्थर बरसाना, गर्म पानी बरसाना, इस तरह से, क्योंकि हमारी सेना सीमित रहती थी, मुगलों की सेना ज़्यादा रहती थी। 16,000 करीब राजपूत थे और 22,000 ट्राइबल भील थे जिनके सेनापति थे पूंजा भील। उन्होंने महाराणा प्रताप को 22,000 सेना का मदद दिया। इसमें मुख्य आए थे आमेर के राजा। ये राजा मानसिंह ने अपनी बुआ की मैरिज अकबर के साथ कराकर यहाँ लड़ने के लिए आए थे। एबीपी ने राज परिवार के सदस्य और उदयपुर के युवराज लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ से बात की जिसमें उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी विरासत को आखिर कैसे उन्होंने संजो कर रखा है। जहाँ तक ये सवाल है कि इनको कैसे रखा जाए, ये रोज सोच कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर तब्दीलियां आती हैं, इसके अंदर दिल दिमाग के अंदर विचार आते हैं, अन्य लोगों से जो है उनसे इस सोच के ऊपर चर्चा होती है कि कैसे इसको और बेहतर किया जाए, कैसे इसको 21वीं सदी के साथ में जो है लोगों तक इनको पहुंचाने का एक काम किया जाए। लोगों का ये रहता है कि विद्यालयों के अंदर, बच्चों के अंदर अपने संस्कृति, अपने इतिहास और अपनी विरासत के बारे में देश की, उनके अंदर इस जिज्ञासा को कैसे जो है वो बढ़ चढ़ कर बताया जाए, तो उसी सोच के साथ में साउंड एंड लाइट शो का इजाद हुआ। आपके दिल के करीब सारी विरासत होगी, ऐसी कोई विरासत जो बहुत ही एकदम आपको घनिष्ठ लगती हो, सबसे प्यारी लगती हो? देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग विरासत को केवल इमारतों तक सीमित रख देते हैं और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि विरासतों को केवल इमारतों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमारी भाषा भी जो है वो एक आज की तारीख में एक हमारी विरासत है, उसको हमारे शरीर, हमारे दिल दिमाग, हमारे जहन के अंदर भी उसको अच्छी तरह से संजो के रखना भी हमारा धर्म बनता है। कोई एक विरासत नहीं जिसको अलग से रखा जाए, सभी विरासत अपने दिल के करीबी है। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।